और ये 20 दिन 30 दिन वाले JRF 30 दिन में कैसे JRF निकाले, ये सबसे दूर रहे। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का मेहनत पीछे भी किया होता है। वैचारिक पृष्ठभूमि तो मैं अपना बताऊं, क्योंकि मेरा मतलब पृष्ठभूमि पॉलिटिकल साइंस से रहा, राजनीति विज्ञान से, तो मैं ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सारे 400 बच्चों का जैसे निकलता है, 400 हर साल निकलता है, 400 के लगभग निकलता है। तो बच्चा 400 में नहीं सोचता खुद को, वो 401 में सोचता है। होता है ना कि हम मतलब विद्यार्थी जो होते हैं ना, ज्यादातर यूट्यूब की ओर ज्यादा दौड़ जाते हैं, जो वो मास्टर अच्छे पढ़ा, शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं तो उससे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसके चक्कर में रखने लग जाते हैं यदि हम यूट्यूब से पढ़ते हैं तो। इसलिए खुद से टेक्स्ट पढ़ना जरूरी होता है। इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि आने वाले दिसंबर में जो नेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, और जो जून में देंगे उनके लिए भी, तो दोनों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके लिए आज हम बात करने वाले हैं बजरंगी से, जिनका अभी अभी रिसेंटली JRF हुआ है, तो इन्हीं से जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, और आगे की जो भी बातें हैं सीधा अब उसको जानते हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं दूंगा। मेरा नाम बजरंगी है और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने होम टाउन दरभंगा से की है, और मेरा स्नातक में ऑनर्स विषय पॉलिटिकल साइंस रहा। लेकिन जब मैंने पॉलिटिकल साइंस कोरोना के समय था और मेरा रिजल्ट भी नहीं आ रहा था वहाँ होम यूनिवर्सिटी से, तो इस वजह से मैं कुछ दिन मतलब एक होता है ना गैप ईयर जैसे होता है, गैप मंथ उस समय मेरा बीता है जैसे, तो उसमें मतलब मर्जा स्थिति में था कि मैं अब आगे क्या करूँ, या मैं यहीं से मतलब स्कूल मतलब MA की तैयारी करूँ या कहीं और जाऊँ इससे बाहर। तो CUT के दौरान मैं दो विषयों से परीक्षा दिया, एक पॉलिटिकल साइंस और हिंदी। तो पॉलिटिकल साइंस और हिंदी दोनों मतलब ठीक ठाक मार्क्स रहा मेरा, लेकिन क्या था मैं पॉलिटिकल साइंस और हिंदी से ना मैं सारे यूनिवर्सिटी में मतलब ट्राई किया, रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें मतलब मेरा सबसे पहले हिंदी से DU में हो गया और पॉलिटिकल साइंस से मेरा BHU हो रहा था। तो एक होता है ना कि मैं जब ग्रेजुएशन में आया था पहली बार, जो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना ही करवाना है, तो मेरा वो PGDMU इवनिंग वाले में हो रहा था, तो मैं उसके बाद मैं अपने होम टाउन चला गया, जो मैं चलो इवनिंग वाले में नहीं करूँगा, ठीक है मैं बाद में चलाऊँगा। और एक था कि नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है, तो PGDMU के कॉलेज जो है साउथ कैंपस में आती है, तो इसलिए मैं नहीं करवाया और मैं होम टाउन चला गया। तो फिर वही मतलब मन में था कि मुझे दिल्ली में ही लेना, चाहे किसी विषय से भी हो। तो मेरा फर्स्ट मतलब कटअप में लिस्ट में नाम आ गया हिंदी से, डिपार्टमेंट मिला हिंदी में। तो इस तरीके से हिंदी की जर्नी शुरुआत हुई। इस तरीके से मेरी हिंदी की जर्नी शुरुआत हुई। JRF के बारे में कैसे पता लगा, पहले पता था वैसे? हाँ, मेरे एक भैया है जो इकोनॉमिक्स से भी मतलब PhD कर रहे हैं BHU से, तो उनसे मतलब, और मैं हॉस्टल में रह रहा था विद्यापति छात्रावास में, तो वहाँ से बहुत सारे भैया जो है जो मैथिली से निकाल चुके थे JRF सब, तो उनसे मतलब इंस्पायर होने को मिला, जो मतलब JRF में भी करूँगा, तो इसी तरह मैं हिंदी से, मैं तो फर्स्ट सेमेस्टर मेरा मतलब एक क्वेश्चन से मेरा JRF रह गया था, तो सेकंड में मतलब JRF क्रैक करने निकाले। तैयारी कैसे शुरू करी आपने, मतलब कैसे क्या क्या पढ़ना चालू किया था, कैसे क्या स्ट्रेटजी? हिंदी साहित्य एक मतलब से बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्स्ट इतना है जो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने एक मतलब आईडी निकाला कि मतलब क्या छोड़ना है, पढ़ना तो बहुत सारा, और सभी लोग पढ़ते हैं उतना, मैं मतलब कितने लोग 4-4 साल से कर रहे हैं फिर भी JRF नहीं निकल रहे हैं, तो मैं सोचा कि ऐसे तो होगा नहीं मेरा, मतलब क्या छोड़ूँ मैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने पिछली बार 40% सिर्फ कवर करके गया था टेक्स्ट, और उसमें से एक क्वेश्चन से रह गया, तो थोड़ा सा दुख भी नहीं हुआ, चलो मैं कवर नहीं किया, एक क्वेश्चन से रह गया। लेकिन इस बार सोचा मतलब बहुत सारे विषय मतलब बहुत सारे उपन्यास भी नहीं पढ़ा इस बार भी, लेकिन चलो इस बार हो गया, अच्छा ठीक ठाक मार्क्स आया। तो इस बार जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, तो क्या लगता है, पहले तो हम जून वाले की बात करते हैं, जो लोग जून के लिए तैयार कर रहे हैं, जैसे आपने बताया पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है, क्या छोड़ना चाहिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसे छोड़ा जा सकता है? अब विद्यार्थी अपने हिसाब से देख लेगा जो हाँ। मतलब मेरा क्या मतलब तुमने क्या छोड़ा था वो बता सकते हो? हाँ, मैं बताता हूँ, जैसे मैं जैसे बड़ी बड़ी उपन्यास है, जैसे झूठा सच है, तो कहा कि मतलब इतना याद मतलब कौन पढ़ेगा अभी, मतलब 1000 पेज का उपन्यास है, तो इसी तरह मैं नहीं पढ़ा उसे झूठा सच को, इसी तरह कहानी सब था उसे बार बार पढ़ता गया। और सबसे जरूरी बात है कि हमारे मतलब साथी लोग जो होते हैं पढ़ते सिर्फ है, कम से कम नोट्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है, उसको समेटना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के समय में। पता कैसे चलेगा किस चीज़ों का नोट्स बनाए? पता कैसे चलेगा, जैसे कहानी आप पढ़े हैं हाँ। तो कुछ नया बात है, आप 2-3 बार पढ़े हैं, 2-3 बार के बाद आप नोट्स बना रहे हैं, तो आपको तो कुछ चीज़ें याद हो ही जाती हैं, और नहीं याद जो होती है उसको नोट्स में आप लिख लीजिए और उसे बार बार देखते रहिए, तो एक मतलब माइंड में रहता है ना कि मतलब चलो एग्जाम के समय रिविजन कर लेंगे, तो वो हो जाता है तुरंत, मतलब 5-10 मिनट के अंदर आपका कहानी का पोर्शन, निबंध का पोर्शन, ये मतलब आधा घंटा में पूरा आपका खत्म हो जाएगा एग्जाम के समय, और ज़्यादा मतलब प्रेशर भी नहीं लेना पड़ेगा आपको।
तो ये तो बात हमने कर ली कहानी की, उपन्यासों में और उपन्यास है ऐसे जैसे झूठा सच बताया आपने, और भी कोई उपन्यास? और जिंदगी नाम है नहीं पढ़ा, जिंदगी नाम है हाँ, क्योंकि वो समझ भी नहीं आ रहा, पंजाबी लैंग्वेज से ज्यादा था इसमें। और जैसे गोदाम तो मैं पहले पढ़ चुका था, ग्रेजुएशन के दौरान ही पढ़ चुका था। दोबारा पढ़ा था? दोबारा नहीं पढ़ा था। वैसे मैंने देखा ज्यादातर लोग कहते हैं दोबारा नहीं पढ़ते जो पढ़ लिया था, और पहली बार में मतलब नोट्स बना लेना सफिशियंट है, जो भी पढ़ रहे हैं पहली बार में नोट्स बना ले आप, वो बेटर है, दोबारा उल्टा की भी मत देखे मैं कहता हूँ, क्योंकि दोबारा पढ़ना बहुत सारा मुश्किल वाली बात होती है, और उसमें से वो थोड़ा हैवी है। सही हैवी है, उपन्यास कम से कम दोबारा ना पढ़े, निबंध सब तो पढ़ ले अगर आपकी इच्छा है तो। तो निबंध पे भी, निबंध के भी वैसे जैसे कहानी का था हाँ, तो निबंध का भी उसी तरह मैं नोट्स बनाया हूँ। और सच बात है क्या ना, मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं कि मतलब सभी राइटर्स का नाम रखने लगते हैं, और मतलब अब सबसे बड़ा जरूरी देखना होता है कि जिस जो भी राइटर, जैसे प्रगतिवाद के राइटर है या छायावाद के राइटर है, वो जरूरी होता है माइंड सेट में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, मतलब उसके हिसाब से लिख सकते हैं। छायावाद है तो उसकी एक विशेषता होती है, प्रगतिवाद उसकी एक विशेषता होती है, तो उस हिसाब से वो लिखेंगे। उसका कुछ मतलब जैसे नेट जारफ में लगा है तो उस हिसाब से उसके कुछ किताब का नाम याद रख ले, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी लोग सारा याद कर लेते हैं, बाकी सारा याद करते हैं अपना उसी चक्कर में, तो इसी सन के चक्कर में रहते हैं। मतलब तथ्य पर ज्यादा ध्यान न देके मतलब कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, जो टेक्स्ट है उनको पढ़ना चाहिए बजाय वरना। और मतलब एक होता है ना कि हम मतलब विद्यार्थी जो होते हैं ना, ज्यादा यूट्यूब की ओर ज्यादा दौड़ जाते हैं, जब वो मास्टर अच्छे पढ़ा, शिक्षक अच्छे पढ़ा रहे हैं तो उससे पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसके चक्कर में रखने लग जाते हैं यदि हम यूट्यूब से पढ़ते हैं तो। इसलिए खुद से टेक्स्ट पढ़ना जरूरी होता है, और खुद से टेक्स्ट पढ़ के नोट्स बनाए। हम मतलब सबको यही कहते हैं कि टेक्स्ट खुद से पढ़े, सिर्फ यूट्यूब पर सवाल आप हल करने जाएं, यूट्यूब पर पढ़ने मत जाएं, सवाल सिर्फ हल करने जाएं। बाकी यूनिट वन कैसे करी? हिंदी की भाषा वाला, भाषा वाला तो दृष्टि पब्लिकेशन सफिशियंट है। और दूसरा वो इतिहास वाली है, तो इतिहास वाली मैंने पहली बार जो दिया था नेट चारप सेमेस्टर वन में, तो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास, सच बात है मैं सीयूटी के दान भी नहीं पढ़ा था, 15-20 दिन पढ़ के आया था हिंदी के लिए, सीयूटी दिया था मैं, तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब रामचंद्र शुक्ल को पढ़े ही नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाई किताब। और सेकेंड सेमेस्टर में क्या किया, मतलब 300-400 की है तो मतलब 10-10 पेज करके एक टारगेट बना लिया कि 30 दिन है तो 30 दाई के 300 पेज 10-10 पेज करके पढ़ेंगे और उसका एक नोट्स बना लेंगे। वैसे तो दृष्टि पब्लिकेशन ने मतलब नोट्स दिया ही है, कुछ नया अपना निकलता है तो अपना नोट्स में लिखेंगे, नहीं तो दृष्टि पब्लिकेशन किताब में ही कहीं पर ऐड कर देंगे बस ये। लेकिन मुझे लगता है कि दृष्टि पब्लिकेशन किताब में ऐड करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें, तो वहाँ पर पढ़ते वक्त आप एक बार देख लोगे थ्रोली एक बार में। काव्य शास्त्र की यूनिट? काव्य शास्त्र में मतलब दृष्टि पब्लिकेशन से पढ़ी, और सत्यदेव चौधरी जो फर्स्ट सेमेस्टर में तो लगा ही था तो थोड़ा बहुत उससे पढ़ा था सत्यदेव चौधरी से, लेकिन हमें लगता है कि अगर आपके पास समय है तो सत्यदेव चौधरी के एक बार पढ़े, टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा रहता है पब्लिकेशन कोई भी, मतलब वो अपने हिसाब से दिया रहता है कोई भी चीज़, लेकिन टेक्स्ट में जो रहता है मतलब पूरे डीपली अध्ययन किया जाता है, उसको लिखा जाता है बस शुरू से रहता है, एक चीज शुरू से जो रहता है ना आपको याद भी रहती है कहानी के रूप में, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है पूरा वहां पर, आप बीच में से कहीं से उठा रहे तो आपको चीज याद रखनी पड़ेगी, जुड़ती भी तो नहीं है ना फिर, जुड़ती भी नहीं है, इंटरलिंक बनाना बहुत जरूरी एग्जाम के दौरान। और वैचारिक वाली, वैचारिक पृष्ठभूमि तो मैं अपना बताऊं, क्योंकि मेरा मतलब पृष्ठभूमि पॉलिटिकल साइंस से रहा है, राजनीति विज्ञान से, तो मैं ग्रेजुएशन के दौरान बहुत सारा चीज पढ़ लिया हूं, सिर्फ उसमें हिंदी वाले चीज सब ऐड करता गया, जैसे गांधीवाद है, मार्क्सवाद, उसमें कौन कौन से राइटर आए हैं तो बस वो सिर्फ ऐड करता चला गया, मेरा काम आसान हो गया, सहज मतलब हो गया, और क्वेश्चन इस बार भी गलत नहीं हुआ है बेचारे की पृष्ठभूमि से, ये तो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया बैकग्राउंड का फायदा। और पांचवी यूनिट कहाँ से करी? कविता वो अनुराज एकेडमी है, हिंदी एकेडमी, वो सफिशियंट है, और वो ज्यादा मेहनत भी करते हैं अनुराज भैया, वो सफिशियंट, कविता वहीं से करना चाहिए मुझे लगता है, तो आपने कविता अपनी वहीं से करी थी। बस एक होता है ना, आप पीडीएफ मतलब निकाल लो, क्योंकि आजकल क्या है पैटर्न मतलब अलग कर दिया है, क्रम पूछ ले जा रहा है कि ये शुभ है किसको कहा है, सखी कैसे कब आया, तो इस तरह से मतलब आपको एक मतलब हो जाएगा ना, तो पैटर्न याद रहेगा आपके सामने रहेगी, लेकिन वहीं से पढ़े ज़्यादा हेल्पफुल है अंदाजे के लिए। अन्य गद्य विधाएं? अन्य गद्य विधा तो मैं टेक्स्ट पढ़ा था लाइब्रेरी से जाके, अच्छा पढ़ा नहीं लेकिन एक ही किताब नहीं, सही है, उसमें भी कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी जैसे, हाँ जैसे वो अबारा मसीहा छोड़ दिया, हाँ और मतलब अबारा मसीहा जो मुझे लगता है कि जो बड़ा सब है ना किताब, उसका सिर्फ उपन्यास मतलब भूमिका पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन सेटर भी आएगा तो उतना डीपली पढ़ने नहीं जाता है,
वो भूमिका से प्रश्न उठाएगा जहाँ तक होगा मुझे। सही बात। हाँ, तो वो भूमिका से उठाएगा, कह रहे आगे अगर उसका दिमाग चेंज होगा तो पता हाँ, नहीं अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि भूमिका से प्रश्न उठा, ये वीडियो ना देखिए बस क्वेश्चन सेट करने वाला समझ जाएगा, यहाँ से नहीं पढ़ते मैं यहीं से बनाऊंगा। ये तो है। और पेपर वन? पेपर वन तो केवीएस मैदान, ठीक है केवीएस मैदान से मैंने पढ़ा है पेपर वन। और मैथ्स? मैथ्स क्योंकि मैं आईएससी इंटर से मतलब साइंस रहा है मेरा, तो मैथ्स रहा है तो स्ट्रांग पर्सन रहा हूं, स्ट्रांग पर्सन मैथ, तो इसलिए डीआईएस में उतना दिक्कत नहीं रहा है कभी भी। मैं तो यही कहूंगा कि मतलब कोई भी किसी का अनुकरण करने से अच्छा है खुद को पहले जज कर ले जो मैं क्या हूँ, तब तो मेरे मतलब टॉपरों से मतलब साथ में टॉपर के रास्ते बताए चले या अपने रास्ते, हम कहते हैं कि अपने रास्ते पर चला सफिशियंट है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अपने सबकी अलग अलग चीज़ें क्षमता, अपनी क्षमता आप जान रहे हो क्या है, मैं हम नहीं है क्या है, आप मतलब मेरा कर रहे हो मतलब अनुकरण तो ये गलत होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कुछ और रहा है, आपका कुछ और रहा है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, हम सरकारी स्कूल हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो वो अलग हो जाता है, मैं पॉलिटिकल साइंस से रहा हूँ, आप हिंदी से 4 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से ग्रेजुएशन किए हैं, तो ये चीज़ अपना देख ले अपने साथ। हम तो कहते हैं कि किसी टॉपर का अनुकरण न करे, न किसी टीचर का अनुकरण करे, खुद से मेहनत करे हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सही बात कही है, अनुकरण अपनी क्षमताओं के हिसाब से होना चाहिए, जो कमजोर पार्ट है उसको करा जाए, उसको करा जाए। पता लग रहा है तुम्हारा जो कमजोर मतलब जो तुम्हारा पोर्शन स्ट्रांग है तुम वही छोड़ रहे हो, उसका अनुकरण करते हैं देख करके। ये तो है। और एग्जाम हॉल में जब आप गए वहाँ पर तो कैसा लग रहा था जाते वक्त? जाते वक्त कॉन्फिडेंस एक रहता है ना, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लिए रहते, कॉन्फिडेंस में थे, और कॉन्फिडेंस तो एक है ही जो मतलब चलो, और ऐसे भी एग्जाम कैंसिल हो गया तो उसमें भी 101 क्वेश्चन मेरा सही था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि चलो भाई कर ही लेंगे, तो कॉन्फिडेंस प्रीवियस ईयर से आया था। हाँ, प्रीवियस ईयर से, लेकिन प्रीवियस ईयर बनाना जरूरी मस्ट है, प्रीवियस ईयर जरूरी इसलिए है कि जैसे आप खुद से विश्लेषण कीजिए, जैसे पेपर वन यूथ कंपटीशन का आता है तो उसमें 50 क्वेश्चन दिया रहता है, तो 50 क्वेश्चन में आप खोजेंगे ना कि जैसे कम्युनिकेशन का कितना क्वेश्चन पूछा, उसी तरह लॉजिकल रीजनिंग कितना क्वेश्चन पूछा, एक आपका मन में आइडिया आता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ा है, मैं जान पा रहा हूँ कि ये किस देश कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरह आप हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है ये जानना जरूरी है, और उसको विश्लेषण करना जरूरी है कि आप किस तरह से करें विश्लेषण, और खुद से करेंगे ना तो ये चीज़ आपके माइंड में रहेगी, वही आपको यूट्यूबर से मदद से करना पड़ रहा है तो ये चीज़ आपको नहीं रहेगी, क्योंकि बना हुआ खीर ना वो खाने का मजा कुछ और नहीं रहता, जो खुद से अगर जला भी रोटी है तो उसका मजा कुछ और है, और उसका स्वाद भी कुछ और होता है, तो इसलिए खुद पर मतलब विश्वास रखे और खुद मेहनत करे हो जाएगा। एग्जाम में कौन सा पेपर पहले सॉल्व किया था? मैं तो दरअसल शुरू से गद्यांश से करता हूँ और डीआई बनाता हूँ, तो हमें लगता है गद्यांश क्योंकि जहाँ से मेरा 100% नंबर आ रहा है वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि गद्यांश आधा घंटा भी ले रहा है ना तो ठीक है, लेकिन मेरा 10-15 क्वेश्चन सही बन रहा है, इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद डीआई देखा, डीआई अगर मतलब नहीं ज़्यादा पेचीदा लग रहा है तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, अपना हिंदी स्टार्ट किए, उसके बाद मतलब इधर का क्वेश्चन 40-45 किया। अब जब तैयारी कर रहे थे पेपर दो के अंदर कौन सा पोर्शन कमज़ोर लग रहा था तुम्हें? मुझे जैसे मैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस से रहा हूँ तो मुझे शुरू में दिक्कत रहा काव्यशास्त्र में, तो मैं उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान भी दिया हूँ, और मतलब एक होता है ना कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो उसको छोड़ ही दिया हूँ क्योंकि समय नहीं रहा है इसको मतलब याद करने का, तो ठीक है बस छोड़ देते हैं इसको, और कौन सा जरूरी है कि यहीं से आता है आएगा ही, क्योंकि मैं अपना अच्छे वाले ख़राब नहीं कर सकता हूँ, जो खराब पहले से उसको ठीक करने के चक्कर में अच्छे वाले को खराब नहीं कर सकता, और रिवीजन मस्ट है, तो इसीलिए हम तो कहते हैं कि नोट्स बनाना जरूरी है किसी भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो आप, और एक ही बार पढ़ें, बार बार पढ़ना जरूरी नहीं, उपन्यास इतना बड़ा बड़ा है उसको एक बार में नोट्स बनाएं जो मतलब उपयुक्त लग रहा है कि ये लाइन पूछ सकता है एग्जाम में, और आप एग्जाम जो परीक्षा मतलब क्वेश्चन सेटर है उसके दिमाग से सोचें जो इस तरह से क्वेश्चन सेट कर सकता है। वो कैसे सोचेंगे? वो अपने आप आ जाएगा ना, आपको प्रीवियस ईयर देखेंगे और पढ़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा आपको, तो हम नहीं इस तरह से हम क्वेश्चन सेट करेंगे, और क्वेश्चन सेट करने की एक अपने में वो कला आनी चाहिए बच्चों में, तो एक मतलब कॉन्फिडेंस आता नहीं हम इस तरह से घुमा के देखते हैं, इस तरह से पूछ सकता है क्या, तो मैं इसी तरह करता भी था कि मतलब मैं देखता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि नहीं पूछेगा। और पेपर वन के अंदर कौन सा पोर्शन थोड़ा सा कमजोर था? पेपर वन देखिए ज़्यादातर मतलब क्या है ना जो फैक्चुअल है हर एक चीज़ याद रखना पड़ता है आपको, जैसे एनवायरमेंटल हो गया तो भी पूरा फैक्चुअल है याद रखना ही पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा समझने वाली वो है टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग, मैथ है तो मैथ बनाने वाले है तो प्रैक्टिस से आएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड सब क्या है ना सब याद करने वाली चीज़ है, तो वो क्या है ना आप मतलब यूट्यूब पर जैसे बच्चे पढ़ने आते हैं तो कहीं कहीं से जैसे बताते रहता है
तो वहाँ से आप न पढ़ के मतलब एक होता है जैसे एक मतलब सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से हम कैसे पढ़े उसको, तो वो जरूरी है। मेरा खुद भी इसी इन्हीं चीज़ों पर विश्वास रहता है, व्यवस्थित खुद से करी जाए, क्योंकि इंटरलिंक जब तक नहीं बनेगा आप कितना रट सकते हैं कोई भी चीज़ को। मान यूट्यूब पे चल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वही बात है। तो वो इंटरलिंक करना बहुत जरूरी है, आपस में तालमेल बैठाना जरूरी है। किताबों में तो सारी चीजें लिखी है, क्रमबद्धी रहती है। तो किताब में क्या है ना, जैसे केवीएस मैदान में क्या है, जो जैसे मैंने आईसीटी में पढ़ रहा था तो उसमें सिर्फ मतलब आउटपुट इनपुट डिवाइस में कुछ नाम दे रखा था, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है उसका मतलब डीपली पूछता है। तो उस एग्जाम्पल को आप नोट करें, देखे क्या है, आप गूगल से सर्च करें, यूट्यूब पे जाके सर्च करें। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में केवीएस मैदान ने पूरा डिटेल से नहीं दिया, लेकिन आपको उस चीज़ अलग से करना होगा, आपको निकालने के लिए जा रहे। ये चीज़ किताब भी पूरा, कोई भी किताब सफिशियंट नहीं होती अपने आप में, वो कुछ आपको अलग करना पड़ता है। प्रिंटर हो गया, प्लॉटर क्या होता है, तो इस तरह से आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा सर्च करके। गूगल मुझे लगता है सफिशियंट है, गूगल पर सब कुछ मिल जाता है आजकल। यूट्यूब से अच्छा आप गूगल पर चले जाए, कोई अच्छा सा देख के पेज देख ले अपना क्या है, सर्च करे यार निकल जाता है पूरा। चाहे इंग्लिश हिंदी कर ले, इंग्लिश तो आजकल सबका ठीक ठाक ही रहता है मुझे लगता है, तो इंग्लिश भी सहायक हो जाता है किस हिसाब से गूगल पे जाके, क्योंकि तो इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट रहता है गूगल पे। तो मैं ऐसे ही गूगल पे जाकर सर्च किया हूँ कौन है, आउटपुट है, इनपुट है, तो जो चीज़ें वहाँ से कवर कर ली गूगल सर्च कर। लेकिन यूट्यूब पर ज़्यादातर मैं नहीं गया हूँ, बस इतना है। तो लगभग हमने सारा कवर कर ही लिया है, अगर अभी लग रहा है कुछ चीज़ रह गई है तो बता सकते हैं, मेरी तरफ से तो पूछ लिया मैंने सारा। तो मैं इतना ही बताऊँ कि अपने को विश्वास रखिए, लोग मतलब बच्चे नकारात्मक ज़्यादा सोच लेते हैं, मेरा नहीं होगा। भाई मेरा नहीं होगा, अपना एक सोच के रखो, सीधी सी बात है। अगर 400 बच्चों का जैसे निकलता है, 400 हर साल निकलता है, 400 के लगभग निकलता है, तो बच्चा 400 में नहीं सोचता है खुद को, वो 401 में सोचता है। तो ये बहुत चीज़ गलत है, क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। तो ये 401 में ना सोच के आप 400 के अंदर सोचो, जो मैं भी उसमें हूँ, मेरा भी होगा एक। तो उस तरह से आप मेहनत करेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे, और सही बात है रणनीति भी ऐसी होनी चाहिए, अपना रणनीति बनाएं। किसी का देख के हम तो कहते हैं टॉपरों और शिक्षकों से सावधान रहे, आजकल बहुत भ्रामक बातें होती रहती है। बिल्कुल, मेरा भी मत सुनो भाई, मैं सच बात बोल रहा हूँ, मेरा भी मत सुनो, सीधी सी बात है। अपने हिसाब से करो, जो मतलब अच्छे मुझ में अच्छी बात लग रही है तो उसका एडॉप्ट करो, नहीं तो ठीक है भाई, लेकिन मेरा भी मत सुनो, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अपना हिसाब से जो करना है पढ़ो, क्योंकि अपने हिसाब से सबका अलग अलग पैटर्न होता है, पढ़ने का तरीका होता है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई स्मार्ट वर्क करता है। तो ये जरूरी होता है, अपनी क्षमताओं के हिसाब से चीजें करनी चाहिए, अंधा अनुकरण के नहीं करना चाहिए। देख सकते हो उसके हिसाब से कि किसने कैसे स्ट्रेटेजी बनाई, उसकी चीजें कमजोर थी तो उसने कैसे पूरी करी, इस तरीके से कर सकते हो। तब हम ज्यादा से ज्यादा यही कहें कि नकारात्मक मत सोचे अपने को लेकर, और खुद पर विश्वास रखे और मेहनत करे, और लगातार मतलब एक नहीं कि मतलब गैप हो जाता है बीच बीच में जो, और ये 20 दिन 30 दिन वाले 11-30 दिन में कैसे 11 निकाले, इस सबसे दूर रहे। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि बच्चे का मेहनत पीछे भी किया होता है, वो 3-4 साल मेहनत किया होता है, वो 2-3 क्वेश्चन के लिए जेआरएफ बनने के लिए 20 दिन मेहनत करता है और कुछ नहीं। इस चीज़ को हमने कवर भी किया है 2 महीने वाले वीडियो में, उसमें उसने बताया भी था प्रीतम ने कि वो 2 महीने में इसलिए निकला है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और उससे पहले भी काफ़ी हिंदी पढ़ी है उसने। तो वही बात, अब जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि चलो इतना भी पढ़ा हूँ मेरा निकल गया, तो फिर भी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस की कुछ मतलब आया है काम, जेआरएफ में भी काम आया, जैसे बेचारे की पृष्ठभूमि में, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी तो 3 साल का मेहनत है भाई। और क्या, और वहाँ से गलत भी नहीं हुआ, गलत 4-5 क्वेश्चन आए तो ये भी गलत। नॉर्मली बच्चे पता है वहाँ से कर नहीं पाएंगे हिंदी वाले, क्योंकि इतने डीप में पढ़ते ही नहीं। जैसे मेरा सारा सही हुआ है, जैसे मैथ्स भी है पोर्शन ऐसा, तो वो मैं उसको मतलब नहीं अंडरएस्टिमेट कर सकता हूँ। बिल्कुल, और ये सब कह रहे हैं 38 दिन में 20 दिन में, ये सबसे दूर रहे, अपना मेहनत करते रहे। बिल्कुल, तो आपको कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में मुझे बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।